हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में पीएचईडी जेई के रिगार्डिंग नई अपडेट लेकर आए हैं। वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्या है अपडेट, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। यहाँ पे पीएचईडी जेई ने एक ऑफिशियली न्यू नोटिस जारी किया है। नोटिस में क्या कुछ अपडेट है, आइए हम जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर अगर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हम प्रोवाइड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर पीएचईडी या यूडीएसडी या बीटीएससी के ऑफिशियल अपडेट या कि नोटिफिकेशन की कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम ऐसी अपडेट देते रहते हैं। और नई वैकेंसी का अपडेट का भी आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हम टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट को हम कवर करेंगे, बिहार में बहाली के नाम पर सिर्फ ड्रामा हो रहा है, तो आइए जानते हैं आगे हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियली जो नोटिस आई है उसमें उस पर जाते हैं और देखते हैं क्या अपडेट है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईडी ने यहाँ पे स्टूडेंट को फिर से गुमराह करने के लिए एक नई नोटिस जारी कर दिया गया है। नई नोटिस जारी की है, आइए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग संविदा के आधार पर कनिया अभियंता आर्सेनिक के पद पर अस्थायी नियोजन संबंधित आवश्यक सूचना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना अंतर्गत कनिया अभियंता आर्सेनिक के कुल 288 अस्थायी रिक्त पदों के संविदा के नियोजन दिनांक 9/2/2021 से 12/2/2021 तक एवं 18/2/2021 को आयोजित काउंसिलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए सूचित किया जाता है कि उनका पुनः काउंसलिंग दिनांक 18/3/2021 एवं दिनांक 19/3/2021 को निर्धारित है। आप लोग यहां पर सोच सकते हैं, यदि इनको एक जो छूटे हुए कैंडिडेट थे उनको भी काउंसलिंग में एक बार मौका देना था तो ये काम वो फिर से मतलब अभी कर रहे हैं जो वो पहले भी कर सकते थे। जब 18 को एक नई नोटिस जारी हुआ था पीएच कैंडिडेट के लिए तो वहाँ पे उसी टाइम लगातार इस नोटिस को जारी कर सकते थे, लेकिन जब इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आने का टाइम हुआ तो कैंडिडेट उनको परेशान न करें, मेल न करें और कॉल टोल फ्री नंबर पर उनको पूछे नहीं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। इसके कारण एक नोटिस ने जारी कर दी है, उसमें ये लिखा है कि वैसे कैंडिडेट जिनका काउंसलिंग छूट चुका है उनको एक मौका पुनः दिया जाता है। आप सोच सकते हैं यहाँ पे सत्यापन पत्र भी ले लिया गया है, ये क्या मतलब कि क्या करवाना चाहते हैं। बिहार में जो भी वैकेंसी है इसका कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक शो किया जा रहा है कि हमने इतने वैकेंसी निकाले हैं और उस पर काम जो है कर रहे हैं। काम करते करते ये जो वैकेंसी है 4 साल तक खींची जाएगी और लास्ट में ये नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि इस वैकेंसी को रद्द किया जाता है। अभी इसलिए इस चीज़ का यहाँ पे नोटिस है, कई नोटिस जारी हो रहे हैं इसलिए क्योंकि बंगाल चुनाव है, उसको मद्देनज़र देखते हुए गवर्नमेंट जो है सिर्फ वैकेंसी के नाम पर सेंट्रल को या फिर अदर स्टेट को ये शो कर रही है कि यहाँ पे जो है जितने भी वैकेंसी का पद खाली है उस पर काम चल रहा है बहुत ही तेज़ रफ्तार से। लेकिन कोई नहीं जानता, यहाँ के कैंडिडेट जानते हैं कि बिहार की वैकेंसी का क्या हाल है और गवर्नमेंट जो है क्या स्टूडेंट के साथ कर रही है। आगे हम इस चीज़ को कवर करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं और क्या अपडेट लिखा हुआ है। उक्त काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना विभागीय वेबसाइट state.bihar.government.in/pcd पर अपलोड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। या फिर इसका जो नोटिस है हम टेलीग्राम चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल देंगे पीडीएफ को, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो, और वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ पर तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, प्रमाण पत्र के सत्यापन के क्रम में फर्जी पाए जाने पर उनके उम्मीदवारी रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देख पा रहे हैं ये आज ही के डेट में नोटिस जो है अपडेट दिया गया है 12/3/2021 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे वही सारा चीज़ लिखा हुआ है जो आप सभी को काउंसलिंग करवाया गया था
उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया था। 18/3/2021 से काउंसलिंग यहाँ पे पुनः शुरू हो रहा है वैसे कैंडिडेट के लिए जिनको छूट गया है। 10:30 से 5 PM तक यहाँ पे काउंसलिंग करवाई जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुख्यालय विश्व सरैया भवन बेली रोड पटना मीटिंग हॉल, यानी कि जहाँ पे सत्यापन पत्र मांगा गया था वहीं पे काउंसलिंग का, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो जमा करने होंगे और काउंसलिंग करवाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र जो मैं कई बार वीडियो में अपडेट दे चुकी हूँ, वहाँ से भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा क्या क्या, हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे तो, या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। जिनको छूट गया है उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, वो लोग काउंसलिंग करवा लेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि किसी का छूटा होगा, इक्का दुक्का को छूटा होगा जो अभी भी काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे वो लोग। और यहाँ पे जो है सिर्फ कैंडिडेट को जो है गुमराह किया जा रहा है। अब जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी थी तो वो नहीं हो रहा है। इसकी जो वैकेंसी है 1 साल की ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी है जिसमें कि ये सारे यहाँ तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही है, कभी ये तो कभी हो, लेकिन फाइनल यहाँ पे ज्वाइनिंग तो किसी को देना नहीं है, सिर्फ बच्चों को यहाँ पे गुमराह करना है। आप लोग सोच सकते हैं किसी भी वैकेंसी जो अभी निकाली गई है 2019 के बाद, यानी 2019 दिसंबर से कोई भी वैकेंसी निकलने का यहाँ पे, और पहले जो निकाली गई थी LRC PRD का, वो लोग तो ज्वाइनिंग मिल गया है, उन लोग में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना कि अब वैकेंसी में। यहाँ पे इलेक्शन टाइम जो है किस तरीके से UDSD घुमाया कैंडिडेट को, और घुमाने के बाद जो है लास्ट में रद्द कर दिया गया, कई बार उसकी वैकेंसी जो है रद्द हुई। और सिर्फ क्या हुआ, बच्चों को कोई भी किसी भी कैंडिडेट को फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ उनका पैसा खर्च हुआ। और लास्ट में जो है कि फिर से अभी वैकेंसी जो है क्लियर नहीं है, नहीं हुआ है, फिर से हाई कोर्ट में ये पड़ा हुआ है। कब होगा इसका कोई नहीं जानता, कोई किसी को अता पता नहीं है। आप लोग पूछते हैं कि अपडेट दीजिए, यदि कोई भी वहाँ से अपडेट मिलती है हम वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं, और फिर पुनः उस चीज़ पर जो है गवर्नमेंट विभाग जो है मुकर जाती है और कुछ अलग ड्रामा शो करने लगती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, इसलिए सोच समझ के भी आप लोग कमेंट लिखा कीजिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या राय है, आप इस नोटिस को पढ़कर आप क्या कहना चाहते हैं कि फिर से मौका दिया गया है, मेरिट लिस्ट आना चाहिए तो ये क्या अपडेट है, या फिर ये मौका देना ही था तो सत्यापन पत्र मांगने से पहले पूर्व ही मांगते दे देते कैंडिडेट को। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये सही है या नहीं, यहाँ पे वैकेंसी के नाम पर ड्रामा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ऐसी अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे, और BTSC हो UDSD हो, हम वीडियो के थ्रू हर एक वैकेंसी का अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे पल पल का। और कुछ भी नहीं कह सकता, सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पे चाह रहे हैं कि बिहार में ही जॉब हो, और चाहे भी क्यों नहीं, क्योंकि SSC JEE में सबको पता है कितनी कम सीटें आती है, और वहाँ पे BTEC वाले भी फाइट करते हैं, और डिप्लोमा वाले भी, तो एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा वाले कम ही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। और काफ़ी वहाँ पे अगर 200-300 ही सीट है तो 300 ही कैंडिडेट को होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और यदि बिहार में JEE के पद खाली हैं तो उस पर बहाली होना जायज बात है, और अगर विभाग का जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि आपको जो वैकेंसी है, आपको जो जॉब दिया जा रहा है वो फ्री में दिया जा रहा है, तो उनका कहना गलत है, क्योंकि वो फ्री में जॉब नहीं दे रहे हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नंबर बेसिस से कैंडिडेट ने नहीं कही थी कि नंबर बेसिस से सिलेक्शन कीजिए, वो लोग का खुद का निर्णय था। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम बेसिस भी होता तो कम से कम नंबर ऑफ सीट है तो उस पर कैंडिडेट फाइट तो करते और ज़रूर अपियर होते, ऐसा नहीं होता कि सीट खाली चला जाता, तो उनका कहना गलत है। अगर किसी कैंडिडेट से ये कहा जाता है तो आप लोग ज़रूर कहें ये इस चीज़ को कि ये प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस हमने नहीं जारी की है, आपने जारी की है, आप चाहे जिस भी तरीके से लीजिए, और लेकिन फास्ट करिए, कोई भी वैकेंसी को इतना दिन तक खींचना सही नहीं होता है, क्योंकि अगला कैंडिडेट को क्या होगा जिनका अभी वो फॉर्म भी नहीं भरे हैं, और जो भरे हैं वो 3 साल से इधर उधर भाग रहे हैं, रोड पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको पढ़ने की जगह उनको मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, सिर्फ यही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते।